नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के बरेली में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया। प्रेमनगर इलाके के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट के पास स्थित श्री कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। लोगों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई और इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। 6 बजे के आसपास हम लोगों को मतलब सूचना मिली थी कि यहां पर जो आग लगी हुई है, आर्ट गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे भी जो है आर्ट गैलरी है मैक्सिमम जो है, तो इसमें आग लगी थी। तो हमारे जो 6 से 7 फायर टेंडर जो है हमने यहाँ पर लगाए हैं और 3-4 तरफ से जो है मतलब अप्रोच किया है। तब आग बुझी तो 3.5-3 घंटे के आसपास मतलब लगे हैं इसको करने के लिए। अब क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, आप लोग बताएं, अब तो धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, तो अब इसके क्या कारण रहे हैं तो अभी देखने के बाद ही थोड़ा अभी एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए साइड जो है, तो एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कारण रहा है पूरी देखने का। पर इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत जो इनका लॉस हुआ है, जो सामान वगैरह रखा हुआ था, तो उनकी लॉस का आकलन जो है वो खुद ही मालिक करके बताएंगे मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर आग कैसे लगी ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन आग करीब 5:30 बजे करीब यहाँ पर धुआं उठते हुए देखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता जो आरएसएस का भी कार्यकर्ता है, उसने सबसे पहले यहाँ देखा और उसने शोर मचाना शुरू किया, लोगों को सूचना दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया और इस आग पर काबू पाया। आग बहुत ही विशाल थी, बहुत विकराल रूप लिए हुए थी और मैं अपने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का और उनको सूचना देने वाले अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। पुलिस आई, उसने भी बहुत मदद किया, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और आग पर अब लगभग काबू हो गया है। लेकिन ये आग थी बहुत भीषण विकराल, जांच के बाद ही पता लगेगा किस कारण से आग लगी। ये तो मालिकानी बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा।